आप सब कैसे हैं। आज सिखाऊंगी ये न्यू डिजाइन का डोरमेट। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सिखाऊंगी ये वाला डोरमेट। ये देखें, ये काफी सुंदर लग रहा है और ये मैंने 40 फिंदे में बनाया है। ये फुल साइज में बना रही हूँ घर के लिए। अब देखें, ये बची कुची ऊन से बनाया है इसको। अब देखें, हम शुरुआत से ही बता रही हूँ। ये देखें, इस तरह से फिंदे को डाल लें। चार फिंदे ये ग्रीन से डाले, फिर चार फिंदे हमने ब्लैक से डाले, फिर ग्रीन से डाले, फिर रेड से, फिर येलो से, फिर ब्लैक से, फिर ग्रीन से। देखो, ग्रीन से, फिर रेड से, फिर येलो से, फिर ये ब्लैक से। तो ब्लैक का और ये ग्रीन का तीन जगह लगा है और येलो का और रेड का दो जगह लगा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपको फिंदे डालने हैं। ऊपर की साइड हमने रेड कर लिया, फिर हमने येलो, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक। फिर देखें, येलो, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लैक, फिर ग्रीन। इस तरह से आपको फिंदे डालने हैं। अब फिंदे डालने के बाद बुनाई स्टार्ट करेंगे। जो जैसा है वैसा ही बुनेंगे। ये देखें, आप देखें जिस तरह से जैसा कलर है वैसा ही बुनेंगे। इसमें हम चेंज नहीं करेंगे अभी। ये देखें, लास्ट के चार फिंदे हैं तो दो फिंदे हम बुनेंगे ग्रीन के। उस सिलाई को यहीं से पलट लेना है इस तरीके से। अब जो जैसा कलर है वैसा ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखो, पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब फिर से देखें, जो जैसा कलर है उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से वैसे ही फिंदे बुनने हैं। और नीचे की तरफ से हम दो दो फिंदे छोड़ते जा रहे हैं। ये देखें, पहले हमने दो ग्रीन छोड़े थे, अब की बार में फिर से दो ग्रीन हम छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से इस तरह से हमें पलट लेना है। अब ऊपर तक इसी तरह से बुनेंगे। देखो, यहां से लेके यहां तक पूरी रो को मैंने कंप्लीट कर लिया। चार फिंदे मेरे पास ये जो ग्रीन के आते चच्चर फिंदे से मैंने ये फिंदे डाले हुए हैं, तो चार फिंदे ये छूट चुके हैं। दो बार में हमने छोड़ लिए। इसी तरह से हम इनको भी छोड़ेंगे। एक बार में दो छोड़ेंगे, फिर दो बार में
ये चार फिंदे छूट जाएंगे, फिर इनको छोड़ेंगे, फिर इनको छोड़ेंगे, फिर इनको छोड़ेंगे, फिर इनको, फिर इनको, फिर यहाँ पे 12 फिंदे बचेंगे। 12 फिंदे में 10 फिंदे बचेंगे, इसमें से भी हम दो फिंदे छोड़ देंगे। तो इसी तरह से मैं ऊपर तक छोड़ लेती हूँ, कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें फिंदे छोड़ने हैं और बनाते जाना है। दो दो करते हुए फिंदे हमें छोड़ते जाना है और बनाते जाना है, बाकी और हमें कुछ नहीं करना है। तो मैं ऊपर तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखो 40 में से मैंने 10 फिंदे ऊपर की तरफ, मेरे ये सादा वाले हैं, बाकी 30 फिंदे हमने दो दो करते हुए छोड़ लिए हैं। अब देखें जो जैसा था वैसा ही हमने बिनते हुए कंप्लीट किया। अब देखें हम आगे किस तरह से बनाएंगे, वो आप एक बार देख लें तो आपका अच्छे से बन जाएगा। अब देखें ब्लैक कलर हम ऊपर नहीं लगाएंगे, ब्लैक की जगह पे हम येलो कलर लगा लेंगे। ये देखें अब इसकी जगह पे हम रेड कलर लगा लेंगे। इसी तरह से हम कलर चेंज करेंगे। अब ये देखें अब ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे, और ग्रीन की जगह पे ब्लैक आ जाएगा। अब देखें ब्लैक की जगह पे येलो कलर, आप देखें येलो कलर पे रेड कलर, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें रेड वाला है तो हम ग्रीन कलर लगा लेंगे। इसके पास वाला को कलर चेंज करते जाना है। ये रेड कलर पास में, ये ग्रीन है तो ग्रीन के पास में है ब्लैक, तो ब्लैक से हम बना लेंगे। अब ब्लैक वाले देखें, अब ब्लैक वाले ये येलो कलर से हो जाएंगे चार फिंदे। अब ये ध्यान रखिएगा जो ऊपर कलर लगाएंगे वो ही कलर यहाँ पे लगेगा। अब रेड आ जाएगा तो रेड हम लगा लेंगे, जब ऊपर जब रेड आ जाएगा तो हम रेड लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की वो है जरूरत। तो इस तरह से हमने ये देखें ब्लैक की जगह पे येलो लगा लिया। अब यहाँ का कलर हम चेंज नहीं करेंगे, नीचे का, नीचे के जो चार फिंदे चल रहे हैं ग्रीन वाले वो ग्रीन ही चलेंगे। और जब हम ग्रीन वाला कलर लगाएंगे ऊपर की तरफ ये वाला यहाँ पे, तब हम ग्रीन के यहाँ पे 8 फिंदे बिन लेंगे, 4 ये और 4 ये। इस तरह से इसकी डिजाइन चेंज होती जाएगी और डिजाइन बनती जाएगी। अब जो जैसा है वैसा ही बुन लेंगे। पूरी रो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे, दो दो फिंदे छोड़ते जाएंगे और जो जैसा कलर है वैसा बनाते जाएंगे। ऊपर 10 फिंदे बचेंगे, फिर हम कलर चेंज करते जाएंगे, फिर बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से ये बना लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखा। देखो मैंने बना लिया है इसको, और इस तरह से उतारना है, जो जैसा कलर है वैसे ही फिंदे उतारने हैं। अब मैं इसको सिलना बताऊंगी। तो सिलेंगे किस तरह से, ये देखें इस तरह से सिलना है। इस तरह से मिलाते हुए सिलना है। ये देखें ग्रीन की जगह पे इधर की साइड हमारा ब्लैक है, ब्लैक आ जाएगा। ये देखें रेड के साथ में हमने ग्रीन मिला दिया है। इसी तरह से मिलाते हुए ऊपर तक सिलना है। तो मैं सिल लेती हूँ। तो मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है।